ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अरबी बनाएंगे तो सभी इस अरबी के दीवाने हो जाएंगे और आपसे रोज़ रोज़ कहेंगे इस अरबी को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये अरबी कैसे बनती है। और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी अरबी है, तो इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब? मैं हूं पूनम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी। अरबी क्या है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती है, और आज हम इस तरीके से अरबी बनाएंगे कि ये आपकी फेवरेट बन जाएगी और आप सबकी फेवरेट बन जाएगी। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर अरबी लिया है और ये 8 से 10 पीसेस अरबी के हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 5-6 पानी में। आप इसे अच्छे से वॉश कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है, तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसे 4 बेसन लगवाएंगे। जिस तरह से हम आलू को बॉईल करते हैं, उसी तरह से हम इस अरबी को भी बॉईल कर लेंगे और छिलका नहीं उतारेंगे। इसका छिलका बाद में आलू की तरह निकल कर बाहर आ जाएगा। तो चलिए, मैं इसको पहले बॉईल करती हूँ और अब मैं कुकर को गैस पर चढ़ाऊँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुकर गैस पर चढ़ा दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास का जितना पानी डाल दिया है और मैं इसमें अब ये अरबी डाल दूँगी। और इसे मैं 2 बेसन लगवाऊंगी हाई फ्लेम पर और 2 बेसन लगवाऊंगी लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसे आलू की तरह पील कर लेंगे। तो चलिए, मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे बेसन लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 4 बेसन लगवा ली और मैंने इसे कुकर से निकाल लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आलू की तरह उबल चुके हैं। अब हम इसे जैसे आलू का छिलका उतारते हैं, उसी तरह से हम इसका पूरा छिलका ऊपर से रिमूव कर देंगे। और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी। आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हो, किसी भी तरह का कढ़ाई आप ले सकते हो। और इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, उनका छिलका रिमूव कर देते हैं। देखिए, छिलके इस तरह निकालते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर ऐसे रखते जाना है। तो मैं सबके ऊपर से जो छिलका है निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इन सब अरबी को अच्छे से साफ कर लिया है, जिस तरह से आलू छीलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का कोई भी साफ पॉलिथीन ले लेंगे, कोई भी आप प्लास्टिक बैग भी ले सकते हो। एक मैंने यहाँ पर ऐसे एक उसके अंदर रखेंगे और अपने हैंड के नीचे इस तरह से उसके अंदर रख के उसे इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप सोच रहे हो मैं इसे प्लास्टिक में क्यों प्रेस कर रही हूँ, अगर आप इसे हाथों पर प्रेस करोगे तो एक चिपक जाएगी आपके हाथों पर। इस तरह से दूसरी भी लेकर और दोनों हाथों से इस तरह से प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से। हमें ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस एक बार ही थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये बस इस तरह से बिछ जाए। तो मैं इन सबको प्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सब अरबियों को प्रेस कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, गैस का फ्लेम मैंने यहाँ लो कर लिया है। और आप जब एक अरबी को निकालेंगे तो इस तरह से अपने आप को कवर कर लीजिएगा, ढक्कन लगा लीजिएगा, नहीं तो जो इसका छींटा है वो आपके ऊपर भी आ सकता है। बी केयरफुल। मैं यहाँ पर एक बार भी 4 ऐड कर रही हूँ। आप अपनी कढ़ाई के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। देखिए, लगभग 2-3 मिनट बाद इस तरह से गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी। जब ये अच्छे से दोनों तरफ से पक जाएगी तो मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए, अभी वक्त पकी नहीं है। देखिए, हमारी अरबी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट पर टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। बाकी की जो है मैं उसे भी इस तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, दूसरी बार बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए, इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये देखिए,
इसे भी मैं निकाल लेती हूँ इसी प्लेट पर। अब हम रखती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हो, देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। तो चलिए अब इसके ऊपर मसाले ऐड कर देंगे हम। मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हल्का सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी ये धनिया पाउडर, साथ में मैं ऐड करूंगी यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा पसंद है तो ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमारी अरबी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप इसे इसी तरह से बनाइए, कोई गेस्ट आए तो आप तभी भी इसे इस तरह से बना सकते हैं, उन्हें सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मुझे एक लाइक दे दीजिएगा इसके लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।